बुधवार के दिन, हर बुधवार के दिन रात के टाइम पे यहाँ पे टाइगर आता है। इधर आते हैं तो आप देखना चाहोगे, यहाँ पे टाइगर का ये भी लगा हुआ है। हाँ जी, ये 100 साल पुराना है। तो 100 साल पुराना मंदिर। अब शुरू करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम नीलकंठ जा रहे थे, तो गाइस वहाँ का पानी बहुत ठंडा था और यूके में जो है उत्तराखंड में काफ़ी जो है ठंड बढ़ चुकी है। तो इस ब्लॉग में जो है हम जाने वाले हैं एक डिफरेंट प्लेस। कभी वैसे हम जो है गाँव में आ चुके हैं, विलेज में, देखते फिर आज कहाँ जाते हैं हम लोग। तो गाइस रेडी होते हैं और जो है मिलते हैं रेडी होने के बाद। लाडलांग विलेज में, तो ये नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, किसी ने सुना भी होगा और किसी ने नहीं सुना होगा, बट हरिद्वार और कोटद्वार के बीच में पड़ता है, डिफरेंट प्लेसेस। तो अभी हम लाडलांग की जो है एक प्लेस जाने वाले हैं जिसका नाम जो है आपको आगे पता चलेगा आगे वीडियो में। तो अभी जो है मेरा एक फ्रेंड मिल रहा है, तो लाडलांग का एक फ्रेंड है मेरा, तो जो है लाडलांग का जो है चप्पा चप्पा जानता है, समझो चप्पा चप्पा। तो हम जो है उसी के साथ चलेंगे, देखते फिर क्या होता है। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? ठीक है। तो आज का वीडियो जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ डिफरेंट भी होने वाला है, तो चलते हैं गाइस। लाडलांग छोटा सा विलेज है उत्तराखंड में लाडलांग, वहीं जो है घूम रहे हैं और हम जो है जंगलों और पहाड़ों की साइड जा रहे हैं, तो देखते हैं फिर क्या होता है आगे गाइस। मनीष लग रहा है हीरो इसके लाएंगे कमेंट ये है हमारा कांडी छोरा फेसबुक में कांडी छोरा नाम से सर्च मारे तो इनके खूबसूरत फोटो वहां पे शो हो जाएगी। तो ये आर्मी वाला बंदा है। ये है जंगलात वालों का घर। अगर कोई भी जंगली जानवर मुसीबत में पड़ते हैं तो ये तुरंत वहाँ रेस्क्यू करने पहुँच जाते हैं। तो गाइज हम जो है हम दोनों आयुष और मैं जाने वाले हैं सीधा वहाँ। गाइस देखो कितना दूर है, अभी बताओ। अभी भाई 5 किलोमीटर है, अभी ऑफ रोड जाना है यहाँ से और फिर बीच में नदी है, नदी पार करनी है
फिर हमें ट्रैकिंग करनी होगी, जो हमें फेस करनी होगी, हमें वहाँ पे जंगल से है, और फिर उसके बाद हमें चढ़ाई चढ़नी है, एकदम सीधी चढ़ाई है। तो हमें जाना है सीधा इधर। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं लोसी। तो हम जो है 6 लोग जा रहे हैं ऊपर पहाड़ों की तरफ। तो गाइस जो है इंट्रोडक्शन कराता हूँ मैं एक एक बंदे का। तो गाइस ये है जिसका मैं पहले ही आपको इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ, ये है आयुष हमारा भाई, और ये है हमारे अनुज भाई। तो इनको जो है काफ़ी ज़्यादा पता है जंगलों के बारे में, तो ये हमें जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाले हैं अभी हमें। और ये है हमारे स्मार्टी बॉय हमारे लाड़लांग के, तो ये भी जो है चल रहे हैं हमारे साथ। और ये है हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमारे, तो ये भी चलेंगे। तो भाई का नाम है सौरभ। तो और ये है हमारे भाई आपका क्या नाम है यार, आपका नाम मैं भूल गया, हाँ तो इनका नाम विशाल है। तो गाइस चलते हैं हम, देखते हैं फिर क्या होता है ऊपर जाके। तो अगर जानवर भी दिख गया तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम लोग जो है थोड़े ऊपर आ चुके हैं पहाड़ों में। तो अभी वैसे काफ़ी ऊपर चलना है और भी। तो जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है समाधि है बाबा जी की, यहाँ पर जो है बाबा जी लोग तपस्या करते थे। तो गाइस हम जो है काफी ऊपर आ चुके हैं पहाड़ों में, तो बस इतना सा रास्ता बचा है थोड़ा सा, तो हम ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हो। पर देखो पीछे, मतलब रास्ता ऐसा है ना, आप कितना संकरा रास्ता है, यहाँ पे हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, गिरने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो दुनिया दी कली कली शायद की लोड़ जद तई तेरे कदम च जान मिटिए, दुनिया दी कली कली शायद की लोड़ जद तई तेरे कदम च जान मिटिए, जान मिटिए। तो यहाँ पर लग रहे हैं बहुत सारे बेर, लेकर आओ। टीचर मंगवाते थे बेर लेकर आओ, और इन्हीं बेरों को ज्यादातर बालू लोग खाते। कुछ भी बालू लोग इस उम्र च ना तेनु प्यार दवांगा, ना फिल्मी स्टाइल करांगे, साफ साफ दसा दिल वार दवांगा, 80-90 साल तक कोल रहेगी, इस उम्र च ना तेनु प्यार दवांगा, सिंगे ने गुलाबा बटे दिल जोड़े ना, जिथे लगा कीता कुर्बान मिठिए, दुनिया दी कली कली शायद की लोड़ जद तई तेरे कदम च जान मिठिए, दुनिया दी कली कली शायद की लोड़ जद तई तेरे कदम च जान मिठिए, तैनू मन्नी बैठा रब है नी पहले दिन तो तेरे मुरे। तो फाइनली हम जो है पहुंच चुके हैं लोहासीत मंदिर। तो हम काफ़ी ऊपर मंदिर में हैं, और यहाँ की जो है एक स्टोरी भी है। तो जो है हमारे अनुज भाई एक्सपीरियंस जो है पहाड़ों में काफ़ी रह चुके हैं यहीं, तो इनको जो है काफ़ी नॉलेज है यहाँ की, तो ये बताएंगे हमें। तो फिर हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज थापा है, जो कि मैं यहीं रहता हूँ, और हम आज यहाँ पर लोहासीत में आए हैं। तो मैं आपको यहाँ के बताना चाहता हूँ, यहाँ बुधवार के दिन, हर बुधवार के दिन रात के टाइम पे यहाँ पे टाइगर आता है, जो कि मतलब मंदिर पे अपने स्थान पर यहाँ पे टाइगर आता है। तो आप देखना चाहोगे यहाँ पे टाइगर का ये भी लगा हुआ है, जिससे आपको दिख रहा होगा। तो गाइस देख सकते हो आप, ये जो है टाइगर की जो है यहाँ पर तस्वीर बना रखी है। और जो कि मैं फॉरेस्ट में भी काम कर चुका हूँ, मैंने मतलब मैंने अभी देखा नहीं है, बस यहाँ पे आके बुधवार के दिन आते थे साथ को, तो मतलब दूसरे दिन बृहस्पति हम देखते थे पेड़ लगी हुई, हर टाइम आता है, हर हफ्ते आता है। और जो कि फॉरेस्ट एरिया में जो फॉरेस्ट विभाग के उन्होंने भी देखा है यहाँ पर आकर, और हमने सुना है, बट अभी तक देखा नहीं है, लेकिन पेड़ हमने भी देखी है कि यहाँ की ये चीज़ें हैं। और आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये लोहा शिव मंदिर है, और आप देखना चाहोगे यहाँ पर लोहा चढ़ाया जाता है, और जो जो मन्नतें हैं अपनी, वो मन्नतें मान के यहाँ पे लोहा चढ़ाया जाता है। और ये देखो आप, लोहा यहाँ पर लोहा चढ़ा रखा है, आप ये देखो ये लोहा चढ़ा रखा है। देखो यहाँ पर हर कोई जो भी आता है अपनी मन्नत मान के जाता है, और जो भी बाइक कुछ भी हो, हर एक प्रकार का लोहा यहाँ पर काफ़ी मतलब चढ़ा कर जाता है यहाँ पर लोहा। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पर काफी नट बोल्ट, पता नहीं क्या क्या चढ़ाया है लोगों ने, जो है मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर जो है लोहा चढ़ाते हैं, यहाँ की जो है मान्यता है।
कि यहाँ पर लोहा चढ़ाने से जो है मनोकामनाएं पूरी होती है। तो गाइज यहाँ जो है मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पर जो है बृहस्पति बार में जो है यहाँ पर बाघ वगैरह आता है, जो ताऊ जी कह रहे थे यहाँ पर जो है, ताऊ जी जो है यहीं रहते हैं। तो क्या नाम है ताऊ जी आपका, नाम क्या है आपका? गौर सिंह। गौर सिंह, तो इनका नाम गौर सिंह है और ये यहीं के निवासी है। तो जो है ये बता रहे थे तो मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे बारे में, मंदिर के बारे में, ये बहुत प्राचीन है मंदिर है। हाँ जी, ये 100 साल पुराना है। तो 100 साल पुराना मंदिर है, देख सकते हो काफी पुराना है। यहाँ पर ये शेर का सूचना पट लग रखा है। जी जी जी। और यहाँ बृहस्पतिवार के दिन जी शेर बाबा के रूम में मत्था टेकने आते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं और जो है बाबा जी और मेरा दोस्त भी कह रहा था यहाँ बाघ भी मिल सकता है, तो ना ही मिले तो बेटर है। ओ भाई साहब, बाप चुप रहना, ना मत करना, चुप रहो। तो सडनली हमें जो है टाइगर दिख गया था भाई साहब, क्या ही दिख रहा था, मतलब क्या ही आवाजें कर रहा था भाई, मतलब यहाँ टाइगर दिखना है तो बहुत दूर से चमका रहे थे कैमरा। आप जो है ऐसे मत कीजिएगा, बहुत रिस्की काम है। चलते हैं फिर भाई, बाय बाय। ठीक है भाई, ठीक है ब्रो, बाय। ओके ब्रो, मिलते हैं फिर। ओके भाई, चलते हैं सौरभ भाई, तो बाय गाइस। इधर आ, इधर अभी हम आ चुके हैं लाडलांग की जो है काफ़ी अच्छी नदी है, मतलब यहाँ पर बैठ के काफ़ी सुकून मिल रहा है। हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं आयुष सर में, और जो है ये नदी जो है महावगढ़ से आती है, ऊपर पहाड़ों से जो है महावगढ़ से जो है बहती हुई यहाँ पर आती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फाइनली गाइज हम लोग जो है घर पहुंच चुके हैं अपने, काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी जगह घूमे थे और जो है घूम घूम के रात भी काफ़ी हो चुकी है। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ब्लॉग जो है आपको कैसा लगा और मुझे किस टाइप के ब्लॉग बनाने चाहिए, तो आप ये भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो गाइज नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।